इस समय टेस्ट मैच से अलग टीम इंडिया हांगकांग सुपर सिक्स में भी खेलते हुए नजर आ रही है, जहां टीम इंडिया काफी लंबे समय के बाद पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस बेहद खराब है। टीम टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी है। टीम इंडिया को पाकिस्तान, यूएई, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद अब ओमान जैसी टीम से भी हार का सामना करना पड़ रहा है। टीम इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में अब एक लौती ऐसी टीम है जिसने एक भी मैच अभी तक नहीं जीता है। टीम इंडिया से फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट में काफी निराश किया है। इंडिया और ओमान के बीच खेले गए मुकाबले की बात करें तो इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रॉबिन उथप्पा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 6 ओवर में 3 विकेट खोकर 119 रन बनाए। इस दौरान कप्तान उथप्पा ने 13 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं भरत चिपली ने भी 11 गेंदों में 32 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम की पहली पारी के बाद ऐसा लगा कि यह स्कोर टीम इंडिया के लिए काफी होगा, लेकिन ओमान ने बिना कोई विकेट खोए 4.2 ओवर में ही 120 रन बना डाले। ओमान के सलामी बल्लेबाज विनायक शुक्ला ने 11 गेंदों पर 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और रिटायर्ड हट हुए उनका अच्छा साथ देते हुए आसिफ खान ने 12 गेंदों पर 42 रन और हसनैन शाह ने 3 गेंदों में 18 रन बनाए, 3 छक्के जिसमें लगाए उन्होंने। विनायक शुक्ला को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आपको बता दें टूर्नामेंट में टीम इंडिया में रॉबिन उथप्पा, स्टुअर्ट बिनी, मनोज तिवारी, श्रीवास्तव गोस्वामी, केदार जाधव, शाहबाज नदीम और भरत चिपली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।